घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। 1950 का दशक अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर का कार्यकाल और भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सत्ता, और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दशक था, तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था। उस बहुत कुछ में भारत के पड़ोस में हो रही घटनाएं भी शामिल हैं। पुरानी रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस वक्त अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के खतरे से आगाह किया था। और खतरा क्या था? अमेरिका ने डर जताया था कि अगर चीन तिब्बत में कब्जा कर लेता है तो फिर माओ का अगला लक्ष्य नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश होंगे और भारत तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस खतरे में अमेरिका की दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि तब यूएसएसआर के साथ अमेरिका का शीत युद्ध शुरू हो गया था, तो अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में कम्युनिज्म के बढ़ने में खुद के लिए खतरा देख रहा था। खैर, नेहरू ने चीन के साथ दोस्ती वाले करारों पर भरोसा किया और अमेरिका को चीन के खिलाफ तिब्बत में मदद से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने स्तर पर कुछ कोशिश की लेकिन तिब्बत पर कब्जा करने से चीन को नहीं रोक पाए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, और इस इतिहास में झांकने पर अमेरिका और भारत दोनों को ही अपनी कुछ गलतियां कचोटती होंगी, दोनों देशों को ही अपनी तिब्बती नीति पर अफसोस होता होगा। ये बात मैं कह रही हूं क्योंकि भारत तो तिब्बत में चीन के कब्जे की कीमत चुका ही रहा है, अमेरिका भी गाहे बगाहे तिब्बत को लेकर अपनी नीति बदलने की कोशिश करता है, तिब्बत मुद्दे पर चीन को धमकाने की कोशिश करता है, और एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव से ऐन वक्त पहले अमेरिका ने तिब्बत का मुद्दा उछाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने चीन और अमेरिका के बीच झगड़ा और बढ़ा दिया। तो क्या है ये फैसला? अमेरिका ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी को तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का ऐलान करते हुए बुधवार को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि रॉबर्ट डेस्ट्रो को तिब्बत मामले का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए। अतिरिक्त इसलिए क्योंकि अभी वो व्हाइट हाउस में मानवाधिकार और श्रम मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इस नियुक्ति को आसान भाषा में समझें तो ये मान सकते हैं कि अमेरिका ने एक तरह से तिब्बत के लिए राजदूत की नियुक्ति कर दी जो अमेरिका में बैठकर ही तिब्बत पर नजर रखेगा। और जब अलग से तिब्बत के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका तिब्बत के साथ अलग से रिश्ता रखना चाहता है, या कम से कम तिब्बत के मामले में चीन को बाईपास करना चाहता है। भावार्थ यह हो सकता है कि अमेरिका तिब्बत को चीन से अलग देखना चाहता है, या फिर कम से कम ऐसी कोशिश में है। लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं है कि अमेरिका ने तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया हो। ऐसी एक पोस्ट अमेरिका में पहले से चलती आई है जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से खाली थी। 2017 के बाद से तिब्बत पॉलिसी पर अमेरिका ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। शायद शुरुआत में ट्रंप चीन के साथ संबंध बेहतर रखना चाहते हो, लेकिन अब दोनों में तलवारें खिंची हुई हैं और इसलिए ट्रंप वो हर रिक्त स्थान भरना चाहते हैं जिससे चीन के ललाट पर शिकन आए, इसलिए तिब्बत वाली नियुक्ति का जोर शोर से ऐलान किया है। तो सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका इस अधिकारी के जरिए तिब्बत के स्टेट्स में क्या बदलाव करेगा? अमेरिका के तिब्बत स्पेशल कोऑर्डिनेटर क्या तिब्बत के लोगों को आजादी दिला पाएंगे? इसका जवाब भी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान में है। पोम्पियो के मुताबिक तिब्बत मामलों वाले अधिकारी चीन की सरकार और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच डायलॉग पर जोर देने की अमेरिकी कोशिशों की अगुवाई करेंगे और तिब्बती लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बचाने की कोशिश करेंगे, उनके मानवाधिकारों की रक्षा के मुद्दे उठाएंगे। पोम्पियो ने एक वाक्य और कहा जो चीन को सबसे ज्यादा चुभेगा। पोम्पियो ने कहा कि तिब्बती समुदाय का चीन दमन कर रहा है और इस बात से अमेरिका चिंतित है। अब ये तो बात हुई अमेरिका की। अमेरिका ने तो स्पेशल कोऑर्डिनेटर को काम दे दिया कि दलाई लामा और चीन के बीच डायलॉग करवाए, लेकिन क्या चीन अमेरिका की बात मानेगा? तो जवाब नकारात्मक है। चीन पहले से अमेरिका को कहता आया है कि आप कोऑर्डिनेटर बनाओ या ना बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम तिब्बत के मामले में आपसे बात ही नहीं करना चाहते। तिब्बत को चीन अपना घरेलू मामला मानता है और इस लिहाज से अमेरिका का तिब्बत कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना चीन अपने घरेलू मामले में दखल मानता है। और इसके आगे की बात यह है कि चीन तिब्बत में विदेशों के जाने पर
कड़ी पाबंदी रखता है। अगर कोई अमेरिकी अधिकारी मानवाधिकारों के मुद्दे उठाने तिब्बत जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकता। तो अमेरिका को इसी बात की खीज भी रहती है और इसके जवाब में अमेरिका ने इसी जुलाई में उन चीनी अधिकारियों को वीजा नहीं देने का फैसला लिया जो अमेरिका को तिब्बत में राजनयिक बातचीत के लिए रोकते हैं और मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल हैं। तो क्या अमेरिका चाहता है कि तिब्बत चीन से आजाद होना चाहिए? आधिकारिक तौर पर अमेरिका ऐसा कहता नहीं है। अमेरिका कहता है कि वो तिब्बत की मीनिंगफुल ऑटोनॉमी चाहता है, यानी सार्थक स्वायत्तता। मतलब ये समझिए कि तिब्बत को चीन से अलग किया जाना चाहिए, अमेरिका ये तो नहीं कहता है, लेकिन तिब्बत को चीन के साथ रहते हुए असल स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ये अमेरिका का पक्ष है। ये आधिकारिक पक्ष है, लेकिन मांग ये भी उठती है कि अमेरिका तिब्बत को अलग देश माने। इसी साल मई में अमेरिका के सांसद स्कॉट पेरी यूएस कांग्रेस में एक बिल लाए थे जिसमें था कि अमेरिकी राष्ट्रपति तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त इलाके के बजाय एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचाने, यानी अमेरिका तिब्बत को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे। तो जहन में सवाल आता है कि अमेरिका तिब्बत के मुद्दे को इतना उठाता भी है, फिर भी ये तिब्बत को अलग देश क्यों नहीं मानता? अमेरिका क्यों नहीं कहता कि तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है? और ये सवाल भारत में भी उठता है कि चीन कह देता है कि वो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता, फिर भी भारत क्यों नहीं कहता कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है? यानी ऐसा कहने में, ऐसा करने में अड़चन कहां आती है? तो वो अड़चन भी आप समझ लीजिए। 108 साल पीछे चलते हैं। साल 1912 में चीन पर लगभग 300 साल राज करने वाली चिंग राजशाही का अंत हो गया। 1912 तक तिब्बत चिंग डायनेस्टी के अधीन ही एक राज्य था, लेकिन 1913 में तिब्बत ने खुद का एक आजाद देश घोषित कर लिया और तब चीन तिब्बत के संरक्षक के तौर पर था। लेकिन 1949 में माओ की क्रांति के बाद तिब्बत के लिए चीजें पहले जैसी नहीं रही। माओ बौद्ध धर्म वाले तिब्बत पर पूरा कब्जा चाहता था। 7 अक्टूबर 1950 को माओ की फौज ने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत में इतनी सेना नहीं थी कि वो चीनी फौज का मुकाबला कर पाती। तब तक तिब्बत के सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ते भारत के साथ ही थे, तो सवाल भारत के लिए भी आया कि क्या तिब्बत की मदद करनी चाहिए या भारत का तिब्बत में चीनी आक्रमण पर क्या स्टैंड होना चाहिए। पुराने रिपोर्ट्स के मुताबिक तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली से सलाह ली थी और सलाह में यह मिला कि चीन के कब्जे का भारत को विरोध नहीं करना चाहिए। तिब्बत और दलाई लामा भी चीन की सैन्य धमकियां सह नहीं पाए और 23 मई 1951 को 17 सूत्रीय करार कर लिया जिसमें तिब्बत ने खुद को चीन का एक स्वायत्त इलाका बनाना कबूल कर लिया। और फिर 1954 में भारत चीन के बीच जो करार हुए उसमें भारत ने पहले भी आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। अब अमेरिका की बात करते हैं। माओ के आने से पहले भी अमेरिका तिब्बत को चीन का हिस्सा ही मानता था। अमेरिका मानता था कि तिब्बत में चीन की सुजरेंटी है, हिंदी में कहते हैं आधिपत्य। इसका मतलब है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे मामले चीन के पास थे। जब 1950 के दशक से पहले तिब्बत के कुछ प्रतिनिधि अमेरिका से कारोबारी संबंध बहाल करने गए थे, तब भी अमेरिका ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। इसलिए चीन के तिब्बत पर शुरुआती हमले पर तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया, लेकिन ड्वाइट डी आइजनहावर के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जरिए तिब्बत में अलगाववादियों की मदद की कोशिश हुई और इसी प्लान में अमेरिका ने भारत की मदद मांगी थी, लेकिन भारत ने मना कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने नेपाल के साथ मिलकर खाम्पा विद्रोहियों की हथियारों से मदद की, लेकिन ये विद्रोह चीन ने कुचल दिया। 1959 में दलाई लामा को भागकर भारत आना पड़ा और उसके बाद कई और शरणार्थी तिब्बत से भारत आने लगे। इसी बीच 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ और अमेरिका भी रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में तिब्बत को लेकर नरम पड़ गया। लेकिन अमेरिका की ये नरमी अल्पकालिक थी, उसने कई बार तिब्बत पॉलिसी में बदलाव किया। 2002 में राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में टिबेटन पॉलिसी एक्ट ऑफ 2002 लागू हुआ जिसमें तिब्बती समुदाय को आर्थिक मदद देने की बात हुई और तब से अमेरिका तिब्बती समुदाय की मदद कर रहा है और वहां मानवाधिकारों के मुद्दे भी उठाता है। चीन खुद को तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन बताता है और अमेरिका और भारत दोनों ही तिब्बत को अलग देश नहीं कह पाते क्योंकि इतिहास में दोनों ने ही तिब्बत को चीन का हिस्सा माना हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब तिब्बत में डेमोग्राफी बदल रहा है।
चीन के हान समुदाय के बसने को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा बौद्ध धर्म मानने वालों का भी चीनीकरण कर रहा है ताकि किसी तरह का अलगाव ना हो और विरोध करने वालों को हथियारों के दम पर कुचल दिया जाता है। और सच्चाई ये है कि चीन की इस दमनकारी नीति का विरोध अमेरिका जैसे देश भी सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए ही कर पाते हैं, चीन को किसी तरह से रोक नहीं पाते। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में एक चुनावी रैली में बताया कि उनके सबसे छोटे बेटे बैरन को भी कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था। इससे पहले फर्स्ट लेडी मिलानिया ने ब्लॉग लिखकर इसकी जानकारी दी थी। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि बैरन बहुत जल्दी ठीक हो गया। अपने बेटे का उदाहरण देकर ट्रंप ने सभी स्कूलों को शुरू करने की वकालत भी की। अमेरिका के टीचर्स एसोसिएशन इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी मिलानिया 2 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 12 अक्टूबर को उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया। इसके बीच उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल की कई बार धज्जियां उड़ाई। अमेरिका में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। ओपिनियन पोल की माने तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी थाईलैंड से है। लगातार चल रहे प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया है। इसकी घोषणा टीवी पर की गई। सरकार का कहना है कि ये ऐलान अराजकता फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। आपातकाल 15 अक्टूबर की सुबह से लागू हो गया। इसके तहत लोगों ने एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐलान के तुरंत बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर से हटा दिया। आंदोलन के 3 बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। जुलाई 2020 से स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर पीएम प्रयुत चान ओचा का इस्तीफा मांग रहे हैं। साथ ही राजा की शक्तियों को कम करने की मांग भी की जा रही है। आज की तीसरी सुर्खी फ्रांस से है। फ्रांस ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए एक बार फिर से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दिया है। फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। संक्रमण के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। फ्रांस में पहली बार मार्च के महीने में हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी। जुलाई में मामले कम हुए तो इमरजेंसी हटा ली गई। चीन जहां से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ वहां 2 महीने के बाद पहला केस दर्ज किया गया। चिंदाओ शहर में 13 नए मामले सामने आए हैं। सरकार 90 लाख लोगों की टेस्टिंग करने की तैयारी कर रही है। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 15 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध किंवदंती बन चुके बादशाह के निर्वासन से है। किंवदंती ऐसी कि जंग के मैदान में वो अकेला 40,000 सैनिकों के बराबर है। वो राजा जिसने दुनिया जीतने की ठानी लेकिन एक सुदूर द्वीप पर तन्हाई की मौत मर गया। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्टे की। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में पैदा हुआ। फ्रांस ने 1 साल पहले ही इस द्वीप को जीता था। नेपोलियन की पढ़ाई लिखाई पेरिस और ब्रियन शहर में हुई। 1 साल तक मिलिट्री एकेडमी में रहे। 16 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी कंधों पर आई तो सेना में भर्ती हो गए। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। उदारता, समानता और बंधुत्व के नारे वाली मशहूर क्रांति जिसने फ्रांस में राजशाही मिटाई और गणतंत्र का रास्ता साफ किया। दूसरी तरफ नेपोलियन सेना में नई बुलंदियां छू रहे थे। फ्रांसीसी सरकार को बाहरी और भीतरी हमलों से लगातार बचा रहे थे। 24 की उम्र में नेपोलियन को सेना में ब्रिगेडियर बना दिया गया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का बादशाह घोषित कर दिया। अगले साल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती। रूस और ऑस्ट्रिया की सेना को एक साथ धूल चटाने में कामयाब रहे। 1810 आते आते नेपोलियन ने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। 1812 के साल में नेपोलियन की सेना मॉस्को तक पहुंच गई थी लेकिन रूस की सर्दी ने ऐसा कहर बरपाया कि पांव वापस खींचने पड़े। गिनती के सैनिक वापस लौट पाए। नेपोलियन की सत्ता को बड़ा झटका लगा। 1814 में नेपोलियन को कैद कर एल्बा द्वीप पर रख दिया गया। 10 महीने के भीतर वो कैद से भाग आया। लौटकर नेपोलियन ने सेना को वापस तैयार किया, फिर से जंग के लिए गए। कनाडा में वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 को निर्णायक लड़ाई हुई। नेपोलियन की हार हुई, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। दुश्मन देश नहीं चाहते थे कि नेपोलियन एक बार फिर कैद से भागे, इसलिए सुदूर द्वीप चुना गया, सेंट हेलेना। ब्राजील के तट से 4000 किलोमीटर दूर, जमीन से पूरी तरह कटा हुआ। 18 अक्टूबर 1815 को नेपोलियन सेंट हेलेना द्वीप पर उतरे। उनके रहने का प्रबंध लॉन्गवुड हाउस में किया गया।
घर रहने की कंडीशन में नहीं था। नेपोलियन ब्रिटिश सरकार से नया घर बनाने की गुजारिश करते रहे। जब तक उनकी मांग मानी गई तब तक उनका अंत समय आ चुका था। 5 मई 1821 को उसी सुदूर द्वीप पर नेपोलियन की मौत हो गई। सेंट हेलेना द्वीप वर्तमान में ब्रिटेन के नियंत्रण में है। लगभग 4,500 लोगों की रिहाइश है। अभी भी वहां पहुंचने का मुख्य रास्ता समंदर ही है। नेपोलियन जहां रहे उसे म्यूजियम की शक्ल दे दी गई है। ये था आज का दुनियादारी शो। विश्व कविता में आज अमेरिकी कवियत्री एड्रियन सिसिल रिच की कविता। एड्रियन को अपनी कविताओं में महिलाओं और समलैंगिकता के मुद्दों को मुखर रूप से उठाने के लिए जाना जाता रहा है। 1953 में जब एड्रियन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड कोनार्ट से शादी की तो उन्होंने कहा, मैंने इसलिए शादी की क्योंकि अपने पहले परिवार से अलग होने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उनकी कविताओं में उन्होंने जिक्र भी किया है कि कैसे उन्होंने अपने पिता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत की और ऐसे दुनिया में जीने लगी जहां उनसे हमेशा सफलता की उम्मीद की जाती थी। एड्रियन वैश्विक मुद्दों जैसे युद्ध पर भी खुलकर अपने विचार रखती थी। 1968 में उन्होंने राइटर्स एंड एडिटर्स वॉर टैक्स प्रोटेस्ट प्लेज पर साइन किया और वियतनाम में होने वाले युद्ध की वजह से टैक्स देने से इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं उनकी कविता ये कैसा वक्त है, जिसका अनुवाद किया है असद जैदी ने। वह एक जगह है दरख्तों के दो झुरमुटों के बीच जहां घास ठाल से ऊपर जाती है और पुरानी इंकलाबी सड़क सायों में गुम हो जाती है। ठीक जहां वह घर था, सताए हुए लोगों के मिलने की जगह, जिसे अब वे छोड़कर उन्हीं सायों में गायब हो गए हैं। मैं वहां घूमी हूं आतंक के कगार पर मशरूम बीनती हुई, पर किसी गलतफहमी में न रहना, यह कोई रूसी कविता नहीं है, यह और कहीं नहीं यही है। हमारा मुल्क सरक कर पहुंचता हुआ अपने सच अपने आतंक के करीब लोगों को अपनी तरह से लापता करता हुआ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी वह जगह कहाँ है, दरख्तों का घना जाल जहां एक नामहीन रोशन पट्टी से मिलता है प्रेतग्रस्त चौराहे सूखी पत्तियों से भरा स्वर्ग। मुझे पता है कौन इसे खरीदना बेचना और गायब कर देना चाहता है, और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी वह जगह कहाँ है। तो फिर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं कुछ भी, क्योंकि तुम अब भी सुनते हो, क्योंकि ऐसे वक्तों में तुम्हें कुछ भी सुना पाने के लिए पेड़ों के बारे में बात करना जरूरी है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।